हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाता खान ब्रिज के करीब। अगर एयरपोर्ट जाने वाली जो ट्रैफिक है वो बदतरीन जाम है, क्योंकि यहाँ पे बारिश के बाद पानी जमा हो गया है। अगर डिग रोड की बात की जाए तो वहाँ फ्लो है ट्रैफिक का, जबकि इसके साथ ही आगे मलिर जाने वाले जो शहरी हैं उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब जो सदर जाने वाले रोड और जो नर्सरी की तरफ है वो ट्रैफिक रवा है, और कोशिश की जा रही है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ट्रैफिक जाम हो गया है वो सुरताल कंट्रोल की जाए। रेंजर्स, पुलिस और ट्रैफिक के जवान इस वक्त शहर की सड़कों पर मौजूद हैं और शहरियों की मदद भी कर रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जिन शहरियों की गाड़ियां ख़राब हो गई हैं उन्हें फौरी तौर पर मदद फराहम की जाए। यहाँ की मैं सुरताल दिखाऊँ नाता खान ब्रिज के करीब, जैसे ही आप उतरेंगे तो एक रास्ता सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब जाता है, तो उस पर भी पानी जमा है जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानब अगर देखा जाए तो ये जो एयरपोर्ट और मलिर की तरफ जो शहरी जा रहे हैं उन्हें भी शदीद मुश्किल का सामना है। तहम दूसरी जानब देखा जाए तो शहर में जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं और पुलिस के जवान और रेंजर्स के जवान जो हैं वो शहरियों की मदद कर रहे हैं और जो सूरत हाल अबतर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दीगर इलाकों की बात की जाए, अगर राशिद मनास रोड, अलादीन पार्क और गुलशन इकबाल के रोड जो हैं ये क्लियर हैं डिग रोड तक, तहम उससे आगे जो है पानी जमा होने की वजह से जो है ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है। यही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल है। जी।